तो अब हम ये जो बैंड स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स का चालक कुचालक और अर्ध चालक का जो बैंड स्ट्रक्चर है उसको एक बार देख लेते हैं डायग्राम देखिए सबसे पहला जो डायग्राम बना हुआ लेफ्ट में वो है इंसुलेटर्स का कुचालक का यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है राइट वैलेंस बैंड में कौन क्या था वैलेंस बैंड में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये गैप था इसको बोला था फॉरबिडन एनर्जी गैप तो अगर कुचालक होगा तो कुचालक के केस में इंसुलेटर्स के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना अधिक होता है कि इट इज नॉट इजी फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड तो इस वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जैसे डायमंड जो है वो पुअर कंडक्टर है तो इस वजह से डायमंड का जो ये येड एनर्जी गैप है डायमंड में वो सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अब सेकेंड में आते हैं यह है अर्ध चालक यानी कि सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स केस में वैलेंस बैंड पे आते हैं पहले जो वैलेंस बैंड है जैसे यहां तो जो वैलेंस बैंड था ये कंप्लीटली फिल्ड था लेकिन सेमी कंडक्टर्स के केस में जो वैलेंस बैंड है वो बैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होगा पूर्ण रूप से फिल नहीं हुआ है ये पार्शली फिल्ड है दूसरी बात वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत कम है इट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसकी जो वैल्यू है फॉर्बिडन एनर्जी गैप की वो अप्रोक्सिमेटली वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जैसे अगर आप कुछ सेमीकंडक्टर्स देखें जर्मेनियम या सिलिकन तो जर्मेनियम में जो फॉर्बिडन एनर्जी गैप है वो पॉइंट सेवन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और सिलिकन का एनर्जी फॉर्बिडन एनर्जी गैप वन पॉइंट वन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंडक्टर्स पे जो कंडक्टर्स हैं कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं ये एक मतलब एक के ऊपर एक होंगे इनके के इन इस केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो नहीं है तो ये बैंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ढंग से पढ़ लें कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स के लिए अब सेमी कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी देखिए कि जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनका जो कंडक्शन बैंड है वो नॉर्मली क्या होता है एम्प्टी uh, होता है खाली होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे और वैलेंस बैंड जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये पार्शियली फिल्ड है आधा भरा हुआ है आधा खाली है और इस केस में जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप है वो बहुत कम है तो जैसे ही एनर्जी अप्लाई होगी किसी एक्सटर्नल सोर्स से तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्शन बैंड में जैसे हमने पहले पढ़ा था कंडक्शन बैंड में वो पहुंचकर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है और न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पे कम हो जाता है इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से फिर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है